जो अल्लाह फरमा रहा है कि ज़मीन में फसाद बरपा ना करो, जबकि इसकी इसलाह हो चुकी है। अब मेरे दो तीन सवाल आते हैं ताकि आप तफसील से बात फरमाएं। ये ज़मीन की इसलाह कब हुई थी? एक मेरा सवाल ये है, जब इसलाह हो चुकी थी, जब ये कायनात कायम हुई, कायनात बनी, अगर ये इसलाह हो चुकी थी तो फसाद को रोकने के लिए, कायनात की इसलाह के लिए अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को भेजता रहा, फिर ताई के खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो जब ये इसलाह हो गई थी तो फिर पैगंबरों की एक मुसलसल आमद क्या ज़मीन के इसलाह के लिए नहीं थी? यानी उस बंदे के लिए कि जो इसलाह से दूर जा रहा है बल्कि फसाद का मुर्तकिब बन रहा है। इरशाद, असल में बाद इस्लाहिया का तजुर्बा ये होना चाहिए कि जबकि इस्लाह हो चुकी हो। अच्छा, जाहिर है कि जब अल्लाह का पहला नुमाइंदा ज़मीन पर आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मुकम्मल शफाफ थी ज़मीन और कोई गड़बड़ नहीं थी। उनकी औलाद जब फैलना शुरू हुई और ज़मीन आबाद होना शुरू हुई तो कुछ अरसे के बाद उसमें खराबियाँ भी आना शुरू हुई। ठीक, तो हम भी आते रहे इस्लाह के लिए। यहाँ तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बहुत से अंबिया गुजरे और ज़मीन में लोगों ने जो बिगाड़ पैदा किए थे अंबिया की बात न मानने की बिना पर मज़ीद बिगाड़ पैदा किए, यहाँ तक कि अल्लाह ने फैसला किया कि ज़मीन को धो दिया जाए। ठीक, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मामूर किया भाई आप जाएँ लकड़ी काटें। बात से बात निकल आती है, मैं कभी सोचता हूँ हमारे आदमी कोई 100 बरस का हो चुका हो तो बेचारे से उठा नहीं जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, हाथ भी हिलता है, पैर भी कमज़ोर हो जाता है, आंखें काम नहीं करती। जनाब नूह अलैहिस्सलाम जब 950 बरस के हो गए तो अल्लाह ने उनकी ड्यूटी ये लगाई कि आप जाइए जंगल लकड़ियाँ काट के लाइए, तख्ते तैयार कीजिए, उन तख्तों से किश्तियाँ बनाइए। ये मशाला 950 बरस का जवान जो है जा रहा है लकड़ियाँ काट रहा है और तख्ती तैयार कर रहा है, वो बड़ी किश्ती बन रही है कि 80 आदमियों को बैठना है, हलाल जानवर रखे जाएंगे, पल्ले रखे जाएंगे, पता नहीं कितने दिनों का तूफान है। और उधर उनकी बेगम साहिबा तनूर पर बैठी हुई रोटियां पका रही थी और बकबक कर रही थी कि देखो मेरे शहर को क्या हो गया है, हम लोग पानी को तरस रहे हैं और ये इतनी बड़ी किश्ती बना रहे जैसे सारी दुनिया में पानी ही पानी हो। अभी ये बात कर रही थी कि फारत तनूर, उसी तनूर से जिसमें से आग निकल रही थी पानी निकलना शुरू हुआ और ऐसा निकला ऐसा निकला ऐसा निकला कि उसने सारी दुनिया को डुबा दिया।